नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। मैं हूं आपका दोस्त विजय गोस्वामी। सुबह के 6 बज चुके हैं और मैं अपने होम टाउन से बाहर निकला हूं घूमने के लिए। लगभग 3 किलोमीटर घूमने के बाद अब एक बहुत ही अच्छा स्थान है जहां पे आजू बाजू खेत हैं। बहुत मन को एक शांति सी प्रतीत होती है। इस जगह पर मैं बैठ के लगभग 1 घंटे योगा करता हूँ। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम योगा के कुछ पल रिकॉर्ड करेंगे। जय हिंद। हाथों की जकड़न दूर होती है। इसे करना हाथों को ऐसे मूवमेंट करें। अगर आप नए तो थोड़ा कम करें। बात में तकलीफ जाती है और हम जैसे जैसे योग अभ्यास निरंतर आगे करते जाएंगे वैसे वैसे हमारी जो योग करने की क्षमता है वो बढ़ती जाएगी। जी, बटरफ्लाई थोड़ा महसूस करें मस्ती के साथ कि हम उड़ रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बारिश का मौसम भी हो रहा है। सुबह से आज मैं छाता लेके आया हूँ। अगर हमें प्रसन्नचित रहना है, खुश रहना है, फिट रहना है तो हमें योग अभ्यास निरंतर करने पड़ेगा। योग अभ्यास करने से बहुत सारी बीमारियां जो होती हैं दूर होती हैं। शुगर, बीपी के लिए बहुत सी योगा होती हैं जो बहुत ही लाभदायक होती हैं। मुझे के माध्यम से अपने सब्सक्राइबर, अपने फॉलोअर, आप लोगों से बात करने का मौका मिलता है। बड़ी खुशी होती है। धीरे धीरे हम चैनल को और अपडेट कर रहे हैं जिसमें मैं आपसे निरंतर बातें करता रहूंगा और निश्चित ही हम प्रयास करेंगे तो लगातार आगे बढ़ेंगे। बल भी चाहें अब हम करेंगे अनुलोम विलोम। बाद में इसे 2 से 5 मिनट तक करें। फिर जैसे जैसे क्षमता बढ़ती है वैसे वैसे अनुलोम विलोम। We'll be right back.
आजकल मैं जहाँ जाता हूँ तो लोग पूछते हैं, भैया आपके फिट रहने के क्या कारण है? तो सिर्फ एक ही कारण है, रोजाना 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलना और 1 घंटे योगा अभ्यास। अब हम कपालभाति करेंगे। कपालभाति से पेट की बहुत सारी समस्याओं का समाधान होता है। एक पैरों को पद्मासन मुद्रा में बैठा था, थोड़ी देर दोनों पैरों को मैं ऊपर रख के बैठा। क्या है, ज़्यादा प्रैक्टिस हुई नहीं है, प्रैक्टिस के बाद ये विधिवत और अच्छे तरीके से हो सकता है। ठीक है, इस बीच में रामदेव प्राणायाम करते थे। आंखों को ले, आंखों में बहुत ही शांति महसूस होती है, एक ठंडापन नजर आता है आंखों में। आज मौसम बड़ा अच्छा है, आज हमें सूर्य देवता के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, वरना सुबह इस समय हमें पैर थोड़े से अकड़ जाते हैं, किसी के पैर थोड़ा सा, हम पैरों को मैं ऐसा कर लेता हूँ ताकि दिख सकें। पैरों को आप थोड़ा सा मूवमेंट करें। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल की शुरुआत तो मैंने 2012 में कर दी थी, लेकिन शायद उतना चैनल पर मैं ध्यान नहीं दे रहा था, कारण अनेक थे, काम कुछ महत्वपूर्ण जरूरी काम के चलते मैं चैनल को उतना ध्यान नहीं दे पा रहा था। धीरे धीरे जैसे जैसे व्यूज बढ़ते गए, सब्सक्राइबर बढ़ गए, YouTube चैनल की एक मोनेटाइजिंग की एक प्रक्रिया होती है। मोनेटाइजिंग में आपको एक मापदंड होता है जिसमें आपको उतना कुछ करना पड़ता है। अब मेरा चैनल जो है मोनेटाइज हो गया, मोनेटाइज भी हो गया है, देख रहा हूँ वीडियो को लोग देख रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जैसा कि मेरा स्वभाव रहा है सोशल मीडिया से जुड़ के
लोगों से बात करना, समस्याओं को समझना। इसलिए मैं निरंतर उसके वीडियोस, मोटिवेशनल स्टोरीज और बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स, कई लोग फोन से संबंधित मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं भैया फोन में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, कई बार हम उपलब्ध नहीं हो पाते, समस्या का समाधान नहीं हो पाता है या समय लगता है। अब उन सब ट्रिक्स और बहुत सी ऐसी जगह जहां हमें ये ट्रिक्स की आवश्यकता पड़ती है, बहुत सारे ऐसी वस्तुएं हैं जहां हम इन चीज़ों का लाभ ले सकें, क्योंकि मुझसे क्षेत्रीय जो मेरे लोग हैं वो बहुत जुड़े हुए हैं। मैं रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्रों से आता हूँ, तो निश्चित ही लोगों को भी कुछ मदद मिलेगी इससे। अब हम बहुत सारे ब्लॉग्स भी की शुरुआत करेंगे जिसमें हम आपसे बात करेंगे। आप हमारा वीडियो क्यों देखें, आपको अच्छा लगना चाहिए, इस बात का पूरा प्रयास किया जाएगा। प्राणायाम करते हुए इस योगा में भी इम्प्रूव होंगे, अभी मुझे ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 4 से 5 महीने हुए हैं योगा करते हुए। सुबह जल्दी उठने से आपको अनेक लाभ होंगे, कई फायदे होंगे, मानसिक तनाव में कमी होगी, बहुत जरूरी है योग करना जीवन के लिए, अपने आप को फिट रखना। अगर हम अपने आप को फिट नहीं रखते तो हमें कई बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। और धीरे धीरे आप देखिए कि लाइफ स्टाइल है वो आपकी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, अगर आप अपने शारीरिक तौर खाने पीने का मेंटेनेंस नहीं रखते हैं तो आपकी लाइफ स्टाइल धीरे धीरे समाप्ति की ओर आ जाएगी। आप महसूस करेंगे कि आपके शरीर में एक मोटिवेशनल एनर्जी महसूस होगी, इसलिए योग, प्राणायाम, व्यायाम करते रहिए और प्रसन्नचित रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी एक जो लाइफ स्टाइल है दोस्तों, अपनी लाइफ स्टाइल को बनाए रखें। आपको आपकी जो दिनचर्या है, जो दैनिक जीवन है, उसमें निश्चित ही बहुत परिवर्तन है। जी हाँ, ये मैंने विगत 5-6 महीनों में महसूस किया। इसी तरह योग की और भी स्टेप है, बहुत से योग का कोई अंत नहीं, बहुत सा है। ये तो मैंने आपसे बातचीत हो सके, इस माध्यम से मैंने आपसे बातचीत की। और योग तो हमें निरंतर करना ही, मॉर्निंग में जल्दी उठिए, योग प्राणायाम कीजिए, बहुत आवश्यक है योग प्राणायाम, क्योंकि जो करेगा योग रहेगा निरोग।